वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो कि आपने थंबनेल पर देखकर ही पहचान लिया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो, आज नौ वीडियो जो आपके सामने रखता हूँ, उसका पहले मैंने 2016 की वीडियो अपलोड की थी। और पहले अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए। और इसके 2016 की वीडियोस को अपलोड करने के बाद मैंने 2018 के भी वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड की थी। और अभी जो हमारी वीडियो है वो 2017 की है। तो आपको पता तो चल गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, और इम्पोर्टेंट लगती है तो शेयर भी कर दे। पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकॉम सेम फाइव सम नंबर है, सम है 2017 का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सम नंबर 2 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रोकड़ों ना हिसाबों का है, इसमें हमें ये सब ढूंढना होता है। चालू देवा, प्रवाही देवा, ये सब चालू काचा नफो, चोखो नफो, चालू गुणोत्तर, प्रवाही गुणोत्तर, स्टॉक गुणोत्तर, देवा गुणोत्तर, इक्विटी शेयर होल्डर ना भंडारों, ये सब विगत तो हमें ढूंढनी होती है। इसके पहले हमें यहाँ पर ये छोटा मोटा फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया है। ये 2016 और 2017 का फॉर्मेट हमें दो फॉर्मेट में दे दिया है। तो आपको सबसे पहले तो बैलेंस शीट, जो पाकू सर्वाइव है, वह कैसे बनता है वो आपको याद होना चाहिए। तो पहले ही इसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो देखना ना भूलें। 2017 का सम है। तो सबसे पहले आती है रोकाइली मूडी में सबसे पहले होता है शेयर होल्डर और अन्य मालिक ना भंडोड़ों। तो उसमें क्या, उसमें सबसे पहले ये सब विगत आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी विगत हो यहाँ पर होती है। इक्विटी शेयर मूडी, प्रेफरेंस शेयर मूडी, फिर है नफा नुकसान खातू, सामान्य अनामत खातू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्विटी शेयर मूडी कितनी दी है, 2016 में 90,000 और 135,000 हमें यहाँ पर दे दी है। तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर मूडी आपने फॉर्मेट बनाया, वैसे ही यहाँ पर आपको लिख लेना है 2016 और 17 में 90,000 और 135,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर मूडी। तो प्रेफरेंस शेयर मूडी हमें यहाँ पर कितनी दिए, 45,000 और 45,000। तो मैंने भी यहाँ पर 45,000 और 45,000 लिख ली। इसके बाद आता है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि बैलेंस शीट कैसा बनती है और उसके अंदर कौन कौन सी विगत आती है। इक्विटी शेयर मूडी, मालिकी ना भंडोड़ों के अंदर कौन कौन सी विगत आती है, चालू मिल्कत किसे कहते हैं, चालू देवा किसे कहते हैं। तो नफा नुकसान खातू है 27,000 और 27,000 का नफा नुकसान खातू है। तो ये 27,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आता है सामान्य अनामत नो खातू। तो सामान्य अनामत हमें यहाँ पर 18,000 दिए और यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18,000 और यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद टोटल हम इसका प्लस करेंगे और यहाँ पर 180,000, इसी तरह इसका प्लस करेंगे और 207,000। ठीक है, अब लांबा गाड़ानी लोन देख लेते हैं कि लांबा गाड़ानी लोन हमें यहाँ पर कुछ दी है या नहीं दी। तो लंबा गड़े लोन में हमें यहाँ पर दिया है 12% डिबेंचर, 90,000 और 45,000, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर दी है। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 90,000 और 45,000। ठीक है, इसके बाद इस सबका टोटल हम करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 270,000। इसका टोटल करेंगे तो 252,000। इसमें से हमें कायमी मिलकर तो रोकड़ों, चालू मिलकर तो ये सब हमें यहाँ पर इसमें से माइनस कर देना। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कायमी मिलकत में, कायमी मिलकत किसको कहते हैं, ज़मीन एरिया, मशीन है, मकान है, रोकड़ों है, रोकड़ों तो लामा गार्डन देवा माता है। तो ज़मीन मकान मशीनरी, ज़मीन मकान तो 81,000, 90,000, तो हाँ ये लिख लिया मैं 81,000 और 90,000। तो इसको प्लस कर देना है, इसका प्लस हमने यहाँ पर कर दिया,
इसके बाद आता है रोकाणों, तो रोकाणों हमें यहाँ पर दिया नहीं है। और चालू मिल्कियत, तो चालू मिल्कियत में कौन कौन सा आता है, लेने उंडी देवादर स्टॉक ने रोकड़ यहाँ पर जैसा दिया है वैसा ही आपको यहाँ से उतार लेना है। इसके बाद चालू देवा, चालू देवा में क्या क्या आता है, देवी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट और लेनदारों, ये वैसे ही आपको यहाँ से उतार लेना है। फिर इसे भावने यहाँ पर उतार लिया, अब आपको इसका प्लस करना है। ये 148,000 है चालू मिल्कियत में से, चालू देवा क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो ये यहाँ पर लिख लिया, इसमें से ये माइनस करके ना हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब लास्ट में एक फॉर्मेट छिल्ला आता है अवास्तविक मिल्कियत, तो अवास्तविक मिल्कियत तो हमें यहाँ पर दी है, देख लेते हैं कहाँ पर है अवास्तविक मिल्कियत। अब आपको इसी तरह नफा नुकसान खाता बनाना होता है। नफा नुकसान खाता में भी 2016 और 2017 का अलग अलग हमें यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वेचल मालनी पड़तर, वेचाण और वेचल मालनी पड़तर हमें देखना है कितने कितने दिए। तो ये जो है वो हमने यहाँ से वेचाण और वेचल माल की पड़तर हमने यहाँ से उतार ली, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है यहाँ पर नॉन देख लेने की एक बार, वेचाण पड़तर 150,000, 2,50,000 शुरू नो स्टॉक, स्टॉक गुणोत्तर 5 वक्त, अरे सॉरी ये अथवा में है, इसको ध्यान नहीं देना, हमें तो इतना ही देना है। तो ये विगत दी है, अब हमें क्या दिया है शुरू नो स्टॉक कितना है 63,900। तो सरू का स्टॉक जो है वो हमें ये नफा नुकसान खाते में इधर तो नहीं दिखाते हम, लेकिन 2016 का है तो 2017 का सरू का स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पहला चोखो नफो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पहला नो चोखो नफो कितना दिया है 31,500 और 42,750। तो ये चोखो नफो हमें यहाँ पर दे दिया है 41,500 और 42,750, ठीक है। तो ये फॉर्मेट सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, ये सब फॉर्मेट जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद ये सब हमें दे दिया है, तो अब क्या करना है कि ये जो ऊंधे से पीछे से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको ऊपर जाना है। आपको एक बार फॉर्मेट याद हो गया फिर तो कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। तो फॉर्मेट याद हो गया, इसके बाद हमें ये रकम दी है, सिर्फ ये रकम दी है और ऊपर की दो रकम दी है। अभी तक हमने ये इतना ढूंढ लिया, बाकी सब तो बाकी है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो करवेरा देखते हैं सबसे पहले, करवेरा जो दिया है वो देखते हैं। तो करवेरा की हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी, तो देख लेते हैं। करवेरा तो यहाँ पर है नहीं, तो ये 12% डिबेंचर ये हमारा ब्याज हो जाएगा इस पर, और 10% प्रेफरेंस शेयर मुड़ी। तो 12% जो डिबेंचर है वो उसका हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज जो है 12% करेंगे 2016 का, तो 10,854, ठीक है। और करवेरा जो है वो हमें कितना दिया है 50% दिया है, किसके 50%, तो ये 50%, इसके 50%, मतलब कैसे हम इसके 50% अगर आप करोगे तो एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ये 50% प्लस ये 50%, तो ये भी 50%, तो आपको क्या करना है 31,500 जितना आया वो आपको यहाँ पर ऊपर लिख लेना है, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 63,000। इसी तरह ये वाला 42,500 आपको यहाँ लिख देना है, और 42,500 ने 42,500 तो 85,500 वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब क्या करना है कि ये 63,000 हमारे पास मिला, तो 63 + 10 तो 73,800, और 85 + 5,500 तो 99,900, और सब मिल गया। अब हमें इसमें से ये वाली रकम को माइनस कर देना है, तो ये वाली रकम मिल जाएगी, इसमें से ये माइनस कर देना है। इसके बाद हमें जो जो ढूंढने के लिए कहा गया है वो हम यहाँ से चालू गुणोत्तर, काचा नफा नो गुणोत्तर,
तो काचो नफानो गुणोत्तर के लिए आपको पता होना चाहिए कि काचो गुणोत्तर किसे कहते हैं। तो काचो नफो का सूत्र है काचो नफो भाग्या वेचाण गुणिया 100। तो सूत्र याद है तो फिर आपको सीधी सीधी सिंपल सी रकम है कि रोकायेली मूड़ी का सूत्र क्या है, ब्याज अने कर वेलानो नफो भाग्य कुल रोकायेली मूड़ी। तो जितना दिया है नफो वो भाग्या हम लिख लेते हैं कुल रोकायेली मूड़ी गुणिया 100, तो आ जाएगा 27.33। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी सम था, वैसे तो थोड़ा टफ भी था, तो अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।